हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो इस वक्त की एनर्जीज, डियर गाइस, आपके रिलेशनशिप की क्या है टैरो कार्ड में चेक कर लेती हूँ मैं। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है और सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो रीडिंग कितना मैच करेगी, कितना रेजोनेट करेगी आपके साथ, ये चीज़ आपको देखनी है, चेक करनी है, बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को जरूर देखें ताकि पॉजिटिविटी आपको मिले, ठीक है। जितना पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखेंगे उतनी ही पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी। तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं और आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा या ऐसे ही रुक जाएगा, क्या आपके रिलेशनशिप में अभी क्या होने वाला है आगे, ठीक है, फीलिंग्स क्या है। तो भाई यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर टेन ऑफ पेंटिकल में है आपके पर्सन। देखो गाइस, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये पर्सन ना इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज्यादा स्टक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में ना जानना चाहते हैं या फिर आपके बारे में ना बहुत ज्यादा पता कर रहे हैं, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल में है और टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर यही कह रहा है कि कुछ ऐसा है इस वक्त, या तो आपका नो कांटेक्ट में हो गए आप, है ना, क्योंकि दूरियां तो दिख रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं या तो कुछ डाउट्स होंगे जिनको क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको सर्च कर रहे हैं, या फिर बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है, छुप छुप कर बहुत देखते हैं आपको, ठीक है, सोशल मीडिया पर कि क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। तो ये सारी जो नज़रें हैं ना इनकी आपके ऊपर हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है कि अगर आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स वगैरह हैं या फिर, तो उनको उनसे भी ना आपके बारे में ही बातें करते रहते हैं, ये मतलब हर टाइम आपके बारे में बात करते रहते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर इनकी फीलिंग्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर दिख रही है, बट कुछ नाराज़गी दिखाई दे रही है किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर गुस्सा है, किसी बात को लेकर कुछ नाराज़गी है जो कि यहाँ पर कार्ड में ना शो हो रहे हैं कि फीलिंग्स में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से दोनों नाराज है या फिर कुछ निगेटिव एनर्जीज या किसी बात को लेकर डाउट्स या कुछ किसी बात पर रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं, तो वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, सेकंड कार्ड इज टेम्परेंस। देखो इनके जो कार्ड आ रहे हैं उस कार्ड से ये तो पता चल रहा है साफ कि अभी भी फीलिंग्स तो आपके लिए है, मगर क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा है कार्ड को कि जैसे बहुत कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट आपके रिलेशनशिप में लग रहा होगा आपको कि ख़त्म हो चुकी हैं या फिर ख़त्म होने वाली हैं या ख़त्म हो रही हैं, मतलब धीरे धीरे आपको दूरियों का एहसास हो रहा होगा आपको कि आपका रिश्ता जो है वो लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अगर ऐसी फीलिंग्स हो रही है तो मेरे को यहाँ पर जो कार्ड दिख रहा है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का, तो ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अभी नहीं, अभी आपके रिश्ते में जर्नी बाकी है और आपका पार्टनर एकदम मूव ऑन हो, एकदम यू टर्न करेगा आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से इनकी एनर्जीज आपको लेकर आ रही है उससे मुझे साफ ये समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल तो बहुत है और कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, ठीक है। किसी तरीके का कोई बेचैनी, किसी तरह की कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ नाराज़गी या कुछ, लेकिन इनके मन में आपको लेकर ही फीलिंग्स दिखाई दे रही है। हालांकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू मुझे दिखाई दे रहा है, जो थर्ड पार्टी आपको और आपके पार्टनर को अलग करने की पूरी कोशिश भी कर रही है, बट आपके पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल में है जो कि उस एनर्जीज को बता रहे हैं जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है और वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं कर पाएंगे या फिर ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ही एनर्जीज ये कह रही है कि वो आपका साथ देंगे, जो रिश्ता आपका ख़त्म आपको लग रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में अभी भी बहुत कुछ बाकी है और आपका जो पार्टनर है ना वो आपके साथ देने को भी तैयार है, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, झगड़े बहुत पड़े हैं इस वक्त इनकी लाइफ में,
तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिससे आर्ग्यूमेंट्स लड़ाइयां भी हो रही हैं, ये चीज भी दिख रही है। और राशियां यहाँ पर जो दिख रही हैं वो मेष, तुला, कुंभ, कन्या है, सैजिटेरियस, लिब्रा, जैमिनी, स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जीज आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है एंड फोर ऑफ कप्स, एक नई उम्मीद है आपके रिश्ते में, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं डिसीजंस तो ये ले रहे हैं, दिख रहा है कि ये कांटेक्ट भी करेंगे आपको लेकर, क्योंकि मूव ऑन करना इनका आपसे इतना आसान नहीं है। बट किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आप इनसे कांटेक्ट में हो और इनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी कुछ ना कुछ आपको लेकर प्यार चल रहा है, फीलिंग्स चल रही है, साथ रहने की इच्छा चल रही है। बट एक्शन इनका इतना स्लो है जिससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं जुड़ रही है, ठीक है। दूसरा, थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट होने की जो वजह दिखाई दे रही है, वो वजह यहाँ पर ये दिख रही है कि थर्ड पार्टी इन्हें अपने पूरे कंट्रोल में करना चाहती है, जिससे कि आपके पार्टनर आपको लेकर रिलेशनशिप में दूरियां बना लें या फिर आपको लेकर आपके इस रिश्ते से दूर हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर ट्रू लव में है और वो इस रिश्ते को ब्रेक किसी भी हालत में, किसी भी उसमें नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स में ये एनर्जीज आ रही है। तो एम्परर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एम्परर का कार्ड यहाँ पर किसी ऐसी एनर्जीज को भी बता रहा है जिसमें आप लोगों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन या फिर कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो एक कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैप भी दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रैप ही ले सकते हैं और बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, जो कि बहुत लंबे टाइम से इनके मन में चल रहे हैं वो डिसीजन, ठीक है। तो कोई फैसला, कोई डिसीजन हो सकता है, जो कि आप दोनों ही चीज़ें मैं बोलूँगी आपके अगेंस्ट भी ले सकते हैं और आपके लिए भी ले सकते हैं। ज़्यादातर में पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है कि आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसा चल रहा है जो इनको फैमिली की तरफ से फोर्स है, और फैमिली की तरफ से फोर्स में क्या हो रहा है कि ये इनके मन में तो आपके लिए प्यार है और आपके लिए फीलिंग्स भी हैं और आपको जानते भी हैं, इतना टाइम से रिश्ता भी है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें ना ये खुद चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब अपनी चीज़ों में होता है ना, कई बार कंफ्यूजन आ जाता है और जितना कंफ्यूजन दूर करते हैं उतने कंफ्यूज माइंड और होता चला जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर खैर दिखाई दे रही है। बट सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि अगर ये रिलेशनशिप आपका इनके साथ जुड़ गया तो परमानेंटली होगा। तो मतलब जैसे होता है ना कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो रिलेशनशिप जुड़ेगा कि नहीं, लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर जुड़ गया, एक एनर्जीज कनेक्ट अगर हो गई, ठीक है, और आप लोग मिल गए, तो फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, फिर वो होगा परमानेंटली। क्योंकि ये पर्सन की अटैचमेंट तो आपके साथ बिल्कुल है, लेकिन लगातार कुछ ऐसा नेगेटिव इफेक्ट है दूसरों का जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अगेन यहाँ पर कार्ड है, कुछ ऐसा है जो वो आपको दिखा रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं। तो अगर वो आपसे नाराज़ हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको करके दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव आपके साथ कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइड करके बार बार दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि कार्ड में एनर्जीज वो किसी नाराज़गी या किसी गुस्सा या किसी बदले की वजह से ऐसा कर रहे हैं आपके साथ कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे दूरियाँ बना रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, उनकी भावनाएँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रू है, और कहीं ना कहीं ये ट्रूनेस आपके और उनके बीच की आपको आगे तक रिश्ते को लेकर जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेप ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि आपका रिश्ता, अगर कार्ड को देखा जाए तो रिश्ता भी ख़त्म नहीं हुआ, उसमें एक एनर्जीज बची हुई है जो कि आपका पूरा और आपका और आप दोनों का, जब तक कि पूरा नहीं हो जाता, चाहे शादी, हो सकता है कि शादी रुकी हुई हो तो शादी हो जाए, या कुछ भी ऐसा है जो अधूरा है आपके बीच में, अगर वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो आपके रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा आएगी और बहुत आगे तक आपका रिलेशनशिप जाएगा, ठीक है। हालांकि पार्टनर की तरफ से भी ना कोशिश बहुत हो रही है कि वो आपका साथ दे, बट कहीं कहीं वीक इसलिए हो रहे हैं
क्योंकि फैमिली बहुत ज्यादा उनको अपने उसमें इमोशन में रख रही है, और ये चीज उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है आपके पर्सन को। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर एक कार्ड ले लेते हैं हम। और यहाँ पर द मास्टर का कार्ड है एंड फाइटिंग का कार्ड आया हुआ है। लास्ट कार्ड इज थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी से भी झगड़े हो रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, बर्डन है थर्ड पार्टी का, क्योंकि थर्ड पार्टी इनसे लड़ती है, झगड़ता लड़ाई झगड़ा हो रहा है थर्ड पर्सन से, और उसी की वजह से बर्डन है इनके ऊपर। ठीक है, थर्ड पार्टी का तो ये सिचुएशन हो रही है। मतलब आपके पर्सन जब आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, आपको लेकर फीलिंग्स होती हैं, वो आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बनाता है या फिर झगड़े होते हैं, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन इनके मन में आपको लेकर वही प्यार वही फीलिंग्स अभी भी है गाइज। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। पर्सनली तौर पर बात करनी है तो नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। मैसेज के लिए, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।